हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइस, बिहार एसएससी के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड लेवल के लिए गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लासेस हमारी कैसी लगी है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य है जिसका नाम क्या है गाइस, जीवक। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जीवक का नाम, तो बुद्ध के समय का ये है वैद्य जिसका नाम क्या है जीवक, ये किसके दरबार से आपके संबंधित थे। ठीक है, उदाइन, ठीक है उदाइन यहाँ पे है, अजात शत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है, तो आपको ये आंसर बताना है बुद्ध के जो समय के आपके प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम क्या था जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित थे आपके। तो ये किसके दरबार से संबंधित थे गाइस, तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। ठीक है, अब बिंबिसार ये किस वंश से थे आपके, हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश से आपके संबंधित थे कौन, आपके बिंबिसार। और हर्यंक वंश की राजधानी कहाँ थी आपकी, गिरिव्रज या फिर राजगृह। ठीक है, हर्यंक वंश की राजधानी कहाँ थी आपकी, राजधानी कहाँ थी आपकी, गिरिव्रज या राजगृह। देखिए ये बिंबिसार भी आपके भगवान बुद्ध के समकालीन थे, जैसे कि इनके जो पुत्र थे ना बिंबिसार के, अजात शत्रु, तो सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या करने के लिए जब इनके पीछे भाग रहे थे, तो भगवान बुद्ध जो है आपके राजगीर की पहाड़ियों पे जो है ना ध्यान लगाए बैठे हुए थे, तो ये छिप छिप कर देख रहे थे। ठीक है, बिंबिसार, तो बिंबिसार का हत्या किसने किया था आपका, अजात शत्रु, उनके पुत्र ने ही किया था। और अजात शत्रु का हत्या किसने किया था, उदाइन ने किया था। उदाइन के बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा कि उदाइन पाटलिपुत्र का संस्थापक था ना, पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का संस्थापक। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए गाइस। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पंजाब। तो देखिए अबोर जो जनजाति है ये आपका किस राज्य से संबंधित है। अबोर देखिए नाम सही है, जैसे कि अबोर जनजाति है तो ये कहाँ का है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश का है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अबोर जनजाति कहाँ का है आपका, अरुणाचल प्रदेश का। एक और फेमस बहुत सारी जनजातियाँ है, गारो खासी जनजाति है, इसके नाम पे आपका पहाड़ियाँ भी है मेघालय में, मेघालय की है आपको गारो खासी और जयंतिया। ठीक है, और ये सभी पहाड़ियाँ आप पहाड़ियाँ भी है आपकी मेघालय में, गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे कि स्टैटिक के साथ साथ आप जो है ना करंट को भी लेके चल देंगे, क्योंकि आजकल जो है अभी आप लोगों एग्जाम जो हो रहा है बीपीएससी टीचर का ही एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपका करंट एकदम लेटेस्ट पूछा जा रहा है, तो हम लोग जो है ना स्टैटिक को करंट से जोड़कर जो है ना जहाँ पे जरूरत पड़ेगा सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की गई बात की जा रही है यहाँ पे आपका परशुराम कुंड महोत्सव मनाया गया, परशुराम कुंड महोत्सव। ठीक है, साथ में आपका परशुराम कुंड महोत्सव सो मनाया ही गया, कट्टी बिहू फेस्टिवल, कट्टी बिहू, सॉरी बिहू कू, एक सेकेंड, बिहू कू ऐसे फेस्टिवल बोले, तो ये कहाँ पे मनाया गया है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, बिहू कू। और कट्टी बिहू बोले तो आपका असम हो जाएगा, कट्टी बिहू, बोगाली बिहू, ये सभी असम हो जाएगा।
और देखिए अरुणाचल प्रदेश में गाइस सेला सेला पास का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और जो है वहाँ पे एक बंदर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम भी क्या रखा गया, सेला मैकॉक। ठीक है, बंदर की नई प्रजाति भी खोजी गई है आपकी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या रखा गया है आपका, सेला मैकॉक। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक लिपस्टिक के पौधे की भी खोज की गई है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, लिपस्टिक के पौधे की खोज। ये आपका लिपस्टिक के आकार का होता है, ना कि इससे आप लोग सोचेंगे कि लिपस्टिक का निर्माण किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WPL 2024 किसने जीता है? WPL का मतलब क्या होता है, वीमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग। अभी हाल ही में हुआ है कहाँ पे, महिला प्रीमियर लीग। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर ही कर देती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, WPL का आयोजन कहाँ पे किया गया, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। WPL जीता किसने, किसने जीता है गाइस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता है आपका, RCB ने जीता है। किसको हरा के, दिल्ली को हरा के। ठीक है, दिल्ली आपका क्या है, आपका उप विजेता है। ठीक है, दिल्ली क्या है आपका, उप विजेता है। अभी देखिए इसमें ऑरेंज कैप का अवार्ड किसने जीता है, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है, तो ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको दिया गया, किसको दिया गया, एलिशा पेरी को दिया गया। ठीक, और पर्पल कैप का अवार्ड किसको दिया गया, पर्पल कैप का जो अवार्ड है किसको दिया गया, प्रियंका पाटिल, प्रियंका पाटिल को दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वालों को आपका पर्पल कैप दिया जाता है, और सर्वाधिक आपका रन बनाने वाले को आपका ये ऑरेंज कैप दिया जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, सॉरी सबसे महंगी खिलाड़ी इसकी बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया। तो याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा। ठीक है, किसको दिया गया आपका, दीप्ति शर्मा को दिया गया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। देखिए आपकी एग्जाम्स के लिए यहाँ से पॉइंट आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको WPL को जो है ना एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से, जितना ये चीज मैंने बताया है ना कम से कम इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, WPL का आयोजन कहाँ पे किया गया, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। अभिजेता कौन सी टीम रही है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। उपविजेता रहा आपका दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप एलिशा पेरी को दिया गया, और पर्पल कैप का अवार्ड किसको दिया गया, श्रियंका पाटिल को। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट, नेडिम्बा चेरी जो आपका हवाई अड्डा है गाइस, ये कहाँ स्थित है, नेडिम्बा चेरी हवाई अड्डा। तो देखिए ये चेन्नई, सिलीगुड़ी, केरल या फिर बेंगलुरु। तो देखिए नेडिम्बा जो चेरी हवाई अड्डा है ये आपका कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में एक फेमस हवाई अड्डा पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, कैंपे गोड़ा हवाई अड्डा, कैंपे गोड़ा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। देखिए अभी देखिए कैंपे गोड़ा काफी ज्यादा अभी चर्चा में है, कैंपे गोड़ा थे कौन, तो देखिए कैंपे गोड़ा जो थे ना ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, कैंपे गोड़ा, अभी नाद प्रभु कैंपे गोड़ा की अभी स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण अमित शाह ने आपका कहाँ पे किया है, बेंगलुरु में किया है।
और ये बेंगलुरु के संस्थापक तो थे ही, साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण अमित शाह ने कहाँ पे किया? अमित शाह ने बेंगलोर में किया, ठीक है, बेंगलोर में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एकात्मकता की इसको मूर्ति बोलते हैं। और इसमें किसका मूर्ति है? नाद प्रभु कैंपे गोड़ा की मूर्ति थे। ये थे कौन? मैंने ये भी बताया, तो ये कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक, ठीक है। तो कम से कम जो है आप लोग इतना जो है ना सारी चीजें को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी खोला गया है, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे खोला गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना जो है आपका किसके सहयोग से किया गया? तो देखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की जो स्थापना है ये आपका किसके सहयोग से किया गया था? 1955 में आपका किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। सोवियत संघ के सहयोग से आपका भिलाई स्टील प्लांट का आपका स्थापना किया गया था। जर्मनी के सहयोग से 1959 में आपका राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के सहयोग से किसका स्थापना किया गया था गाइस? तो दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है आपका ये ब्रिटेन के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था। आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोह हुआ जिसे आपका अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। तो देखिए, विलायत अली, इनायत अली, पीर अली या फिर वारिस अली। तो ये तो आपका विलायत अली और इनायत अली आपका बहावी आंदोलन से संबंधित है, वहाबी आंदोलन की ये नेता कौन थे? विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। अरे ये अभी 1857 का जो विद्रोह हो रहा था ना जिसमें आपके फांसी दी गई थी, तो देखिए ये 1857 का क्या हुआ था कि बिहार में पटना में जो है ना अंग्रेजों के विरुद्ध में आपका जुलूस निकाला गया था। किसने निकाला था? पीर अली ने। तो पीर अली ने जुलूस निकाला था, तो पीर अली ने एक अंग्रेज का यहाँ का जो हेड था ना उसकी हत्या कर दी थी। तो हत्या के आरोप में जो है ना पीर अली के साथ साथ 14 और लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? पीर अली, ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार SSC के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके जितने भी आपके विद्रोह हुए हैं ना, कम से कम उसका एक आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा फायदा करेगा, जितने भी आपके विद्रोह हुए हैं बिहार में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए गाइस, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, बरौनी, कटिहार या फिर भागलपुर। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ये कौन सा है गाइस? किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपका? औरंगाबाद। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही, एक ही में है इसको ऐड कर लीजिएगा,
विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, राजस्व, कृषि, सेना या फिर मनोरंजन? तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, ठीक है, दीवान ए अमीर को ही। तो तुगलक डायनेस्टी में ये स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर को ही को किसने स्थापित किया था, ठीक है, किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया हुआ था, दीवान ए अमीर कोही को। और ये क्या था आपका? कृषि विभाग था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कृषि विभाग था, दीवान ए अमीर कोही। अब मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से था? तुगलक वंश से। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, सल्तनत काल में सबसे अधिक कोई शासन किया है तो ये कौन किया? तुगलक डायनेस्टी ने किया है, रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, तुगलक वंश। ये कब से कब है आपका? 1320 से 1414 ईस्वी तक, लगभग 94 वर्ष इन्होंने अपना शासन किया हुआ था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो वंश है ये कौन है? तुगलक डायनेस्टी है, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे आपके तुगलक डायनेस्टी के? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, संस्थापक कौन थे? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। और जैसे ही हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर ही रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए, इसको जो है पागल, रक्त पिशासु, ये सभी बोला जाता था। ये सन इनकी जो है ना सनक भर योजनाओं के कारण इसको ये सारे जो है नाम दिए गए थे, रक्त पिशासु, पागल, ठीक है। ये किसको बोला जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता था। और इसी के दरबार में एक मोरक्को यात्री आया था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता, जिसने रेहला पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इन्हीं के दरबार में एक आया हुआ था ना मोरक्को यात्री, जिसका नाम क्या था आपका? इब्न बतूता, जिसने रेहला पुस्तक की रचना की, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका चांदी चांदी का जो है आपका चांदी एवं तांबे का सिक्का चलवाया था किसने? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के लिए भी इसको जाना जाता है। तो एक चीज और ऐड कर लीजिए इसके बारे में, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने किया गाइस? मोहम्मद बिन, सॉरी, हाँ सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी थी, स्थानांतरित की थी, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद में भुगतान किया। ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना था, ठीक है। तो ये सारे जो कथन है ना एक बार आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो याद आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलाउद्दीन ने घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल, घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया, ये सभी किसने स्थापना किया था, ठीक है? घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया, ये सभी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये दूसरा बोल रहा है, पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद में भुगतान किया, तो ये बिल्कुल सही है, ये पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों को नगद में भुगतान किया था। एंड देखिए, इसके साथ साथ जो है आपका नगद माप तौल में जो है ना, अगर आप लोग कुछ भी गड़बड़ी करते हो तो सीधा मांस काट काट लेने के लिए आदेश दिया हुआ था। तो नाप तौल भी, ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, सी, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना था। तो बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना था। और इसने दक्षिण भारत पर विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था, आपको याद होगा ना, दक्षिण भारत पर विजय के लिए।
दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसको भेजा था? विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को। ठीक है, किसको भेजा था आपका? मलिक काफूर को। और इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आपका सीरी का किला, अलाई दरवाजा, जमैयत खान मस्जिद, ये सभी का निर्माण भी किसने कराया था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके ये जो है ना, आपके सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, सही है। एक, दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब ये खिलजी वंश से संबंधित था। खिलजी वंश का शासन काल क्या रहा है? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन काल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1290 से आपका 1320 के बीच इसका शासन काल रहा है। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय। तो बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1917 में। ठीक है, बिहार में सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? 1917 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ पड़ता है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल। तो देखिए, अरावली सॉरी नर्मदा और आपका ताप्ती नदी के बीच पड़ता है आपका सतपुड़ा रेंज। कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? धूपगढ़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, धूपगढ़ी है। और दोनों जो है आपका नर्मदा और ताप्ती आपका यही से निकलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इसमें। और धूपगढ़ी किस पे स्थित है? महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत पर स्थित है आपका कौन? धूपगढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और अरावली रेंज की बात की जाए तो सबसे पुरानी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। ठीक है, कौन है आपका? गुरु शिखर। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो चीनी यात्री फाहियान मैं बता दूं कि ये पहले आया क्यों था। तो ये आया था किस लिए? बौद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए, ये आया हुआ था। कौन आपका? चीनी यात्री फाहियान। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग, ठीक है, याद रखिएगा, हेनसांग। मेगास्थनीज आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, इनकी पुस्तक भी पूछा गया है। इंडिका, जो कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, पुस्तक इंडिका। ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
आया हुआ था, ठीक है, हेन सागा पाया था हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट किया, शशांक, तोरमाण, बख्तियार खिलजी या फिर मिहिर घोष? तो आप सभी को पता होगा कि बोधि वृक्ष को जो है आपका भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका जो है ना यहाँ पे अशोक ने जो है ना बोधि वृक्ष का निर्माण करवाया था। देखिए इसको बहुत बार नष्ट किया गया, क्या हुआ, एक बार जो था अशोक की पत्नी ने ही इसको कटवा दिया था, ठीक है, फिर स्थापित किया गया, फिर इसको कटवा दिया गया था। मतलब इसका जो है ना तीसरा चौथा अभी जो जो संस्करण वहीं पे अभी उग रहा है, तीसरा तीस तीन तीन बार शायद इसको कटवा दिया गया था, ठीक है, तीसरा बार चौथा बार कटवा दिया गया था। तो क्या बोल रहा है, बुद्ध को नीचे उसे किसने नष्ट किया, ठीक है, इसको किसने नष्ट किया, तो किसने नष्ट किया, शशांक ने, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके इसको बताना है कि शशांक जो है ये कौन था, कमेंट करके बताना है कौन था शशांक, ठीक है। अब बख्तियार खिलजी की बात की जा रही है गाइस, तो बख्तियार खिलजी ने लंदन नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था, खत्म कर दिया, बताया है क्या, पूरा पूरा नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को, किसने, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। ये कौन था आपका, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम नामो निशान मिटा दिया, क्या ही बोले, ऐसे ऐसे लोगों को उसी के नाम पे पड़ा है अभी। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो देखिए क्वेश्चन समझ के आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन में जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ठीक है, मुस्लिम शक्ति की, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को इसमें हराया था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया पानीपत का तृतीय युद्ध में। अब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है आपका क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था 1526 में, किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध पे आते हैं, तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने इसमें मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने ये कौन थे आय का विजेता, इसमें लिख देती हूँ मैं कि कुछ स्पेस नहीं है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने आपका मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हुआ आपका तराइन के द्वितीय युद्ध में, मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए, और इसी टाइम पीरियड पे आपका भारत में जो है ना मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था, ठीक है, मोहम्मद, एक सेकेंड, मोहम्मद गौरी विजेता था आपका तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा, और इसी टाइम पीरियड में आपका भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, तो ठंडी जलधारा कौन सी है निम्नलिखित में से, क्यू रेशियो की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, क्यू राइल की जलधारा, अगलू हा अगुलहास की जलधारा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्यू रोसियो की जो जलधारा है ना ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है आपकी क्यू रोसियो की जलधारा, देखिए आगे आगे, एक सेकेंड, ठीक है, क्यू रोसियो की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, और कौन कौन सी है ठंडी जलधारा, तो लिख लीजिए ठंडी जलधारा,
एक तो इसका ट्रिक भी है, याद रखिए, फाक लेवे, फाक लेवे, फा से क्या हो जाएगा, फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ठीक, क से हो जाएगा कनारी की जलधारा, ठीक है, ले से, ला से हो जाएगा आपका लेवोजियर की जलधारा, लेवोजियर की जलधारा, ठीक है, और वह व्य से हो जाएगा वेनेजुएला की जलधारा, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा, फाक लेवे, फॉकलैंड की जलधारा, कनारी की जलधारा, लेवोजियर की जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा, ये सभी ठंडी जलधारा है, और साथ में क्यूरोसियो की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। बाकी आपको जो दिख रहा है ना, फ्लोरिडा की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके अलावा क्यूराइल की जलधारा भी ठंडी जलधारा, सॉरी, गर्म जलधारा है, ये सभी गर्म जलधारा है, ठीक है। और अग्रुल्हास की जलधारा जो है, ये भी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंद नहीं, सॉरी, प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट, तो गाइज ये आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके जो है ना अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोग जो है उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।